दुष्ट व्यक्ति की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा करनी नहीं छोड़ सकता। राधे राधे, शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, एक बार आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, वेदों का अच्छा ज्ञाता भी था, लेकिन उसके संतान नहीं थी। इस चिंता के अंदर वो व्यथित रहता था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था, लेकिन उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था। जब उम्र ढलती गई तब उसे ज्यादा चिंता सताने लगी कि मेरी तो संतान ही नहीं है, अब मैं पितृ ऋण को कैसे उतारूंगा। एक दिन सुबह सुबह वो तालाब पर स्नान करने के लिए गया, तब बड़ा उदास हो गया और वही जो है चुपचाप बैठ गया। इतने में ही एक तपस्वी का आगमन हुआ। जब तपस्वी ने आत्मदेव को निराश और दुखी देखा, तब उससे पूछा कि ब्राह्मण देव, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। तब आत्मदेव ने कहा कि हे महात्मन, भगवान की दया से मेरे सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं। मैं अगर घर में पेड़ भी लगाता हूं तो वो फल नहीं देते हैं। मेरे घर के अंदर एक गाय है, लेकिन उसके भी कोई संतान नहीं है। आप कृपा करके ऐसा उपाय करें जिससे मेरे संतान हो जाए और मेरे जीवन में खुशियां आ जाए। वो तपस्वी बड़े ही ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने आत्मदेव के मस्तक की रेखाएं पढ़कर कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक पुत्र योग है ही नहीं। लेकिन आत्मदेव तो हट करने लगा, कहता आप कुछ भी करो, मेरे जो है पुत्र होना चाहिए, ऐसा कोई उपाय करो, चाहे आशीर्वाद दो, बस मुझे पुत्र चाहिए। अगर आपने ऐसा कार्य नहीं किया तो मैं आपके सामने अभी इस तालाब में डूब कर अपने प्राण दे दूंगा। अब बेचारे तपस्वी क्या करते, उसकी हट के आगे उन्होंने उसे एक फल दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना और उन्हें कहना कि ये खा ले और उसके बाद सदाचार का पालन करे, तुम्हारे बहुत ही तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, घर आ गए और घर आके अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया। लेकिन धुंधली का स्वभाव कुछ अलग ही था। उसने फल तो ले लिया लेकिन उसे खाया नहीं। उसने सोचा कि अगर मैं गर्भवती हो गई तो मेरी जो है कैसी हालत हो जाएगी, फिर जब बच्चा होगा उसके बाद जो है उसका मल मूत्र साफ करना पड़ेगा, उसका कैसे ध्यान रखूंगी, मेरे शरीर की आकृति बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने वो फल नहीं खाया। कुछ महीनों बाद उसकी बहन उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन से सारी बात बताई। तब उसकी बहन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये फल तो तुम गाय को खिला दो और तुम जो है गर्भवती स्त्री होने का नाटक करो, मैं खुद गर्भवती हूँ, जब मेरे बच्चा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम इसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना। तो उसने हाँ भर दी और वो फल गाय को खिला दिया। अब वह गर्भवती होने का नाटक करने लगी। आत्मदेव ने जब पूछा, उसने कहा हाँ, मैंने तो फल जो है खा लिया था जब आपने मुझे दिया था। अब कुछ महीनों पश्चात जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो उसका पति चुपचाप रात को आया और धुंधली को देकर चला गया। जैसे ही सुबह सबको पता चला कि आत्मदेव के घर पुत्र का जन्म हुआ है, सब बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुशियां मनाई गई। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम जो है धुंधकारी रखा। अब 3 महीने बाद जो है गाय के भी एक पुत्र हुआ, बड़ा ही सुंदर, अलौकिक, तेजस्वी, क्योंकि उसने फल तो गाय को खिलाया था और उस बालक के जो कान थे वो गाय के समान थे। अब पूरे यानी कि गांव के अंदर सब लोग उस गाय के बच्चे को देखने आए, बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया। आत्मदेव ने स्वयं जो है उसका नामकरण संस्कार किया और गाय का जो पुत्र था उसका नाम रखा गोकर्ण। तो देखो, ऋषि मुनियों तपस्वियों
के आशीर्वाद के अंदर इतना फल होता था। धुंधली ने फल खाया नहीं था, उसके जो पुत्र हुआ वो बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था, लेकिन जो तपस्वी के फल के प्रभाव से गाय ने पुत्र को जन्म दिया था वो बहुत ही तेजस्वी और आज्ञाकारी था। जो धुंधकारी था वो क्रूर प्रवृत्ति का हुआ, उसने पूरा धन जो है खत्म कर दिया। वो शैतान था, मार पिटाई करता था। इससे परेशान होकर आत्मदेव जो है एक दिन मरने के लिए उसी तालाब पर पहुंच गए। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया कि पिताजी, ये संसार मोह माया है, यहाँ किसी को सुख नहीं है, इसलिए मोह माया का त्याग करके भगवान में ध्यान लगाओ, तभी आपको परम शांति मिल सकती है। तो बेटा, इस संसार में रहो, घर गृहस्थी के सारे काम करो, लेकिन मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। जो भगवान के विधान में बाधा डालने की कोशिश करते हैं उनका हश्र भी यही होता है जो आत्मदेव का हुआ। लेकिन गोकर्ण के समझाने पर आत्मदेव जो है तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और फिर तपस्या करते करते भगवान में लीन हो गए। लेकिन धुंधकारी की बहुत बुरी दुर्दशा हुई। तो आप भी जो है भगवान का स्मरण करें। ये प्रसंग मैंने आपको श्रीमद् भागवत पुराण से सुनाया है, तो आपको स्वाभाविक है अच्छा ही लगा होगा। श्रीमद् भागवत की महिमा भी मैंने आपको सुनाई है। तो जो दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी दुख और कष्ट आ ही नहीं सकते। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसी लगी कहानी। लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।